हे hey गाइस, अगर आप भी पीनट मिल्क और कर्ड यानी कि मूंगफली से दूध और दही बनाना चाहते हो घर पे, तो ये बहुत ही आसान है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पीनट हमारे लिए बहुत अच्छा है, खास करके ठंड में। तो इसे बनाने का तरीका ही आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाना पहले कैसे है। आपको चाहिए होंगे पीनट्स। तो पीनट्स यहाँ पर मैंने दो तरीकों के रखे हैं ताकि आपको मैं बता सकूँ कि आपको कौन से वाले पीनट का इस्तेमाल करना है। ये हो गए बिना सिके हुए, जो बिना भुने वाले होते हैं ना, रॉ पीनट, ये वो हैं। और ये है रोस्टेड पीनट्स। तो आप देख सकते हो इनमें कलर का थोड़ा सा फ़र्क है। ये रोस्टेड वाला थोड़ा सा डार्क कलर है और ये बिल्कुल हल्का। तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल हल्का वाला जो कलर का पीनट आपको मिले ना, वो लेने की। इससे भी हल्का रंग अगर आपको मिलता है तो वो पीनट आप लेने की कोशिश करें। तो ये पीनट आपको नहीं लेना है, ये खाने के लिए आप इस्तेमाल करें। और इसके साथ हम बनाएंगे कर्ड। यहाँ पर एक कटोरी मैंने ले लिया है, आप कप के साथ भी मेजर कर सकते हैं। तो इस पीनट को आपको भिगोने के लिए रख देना है। इस पे पानी डाल करके आप इसे सोख होने के लिए 4 घंटों के लिए रखते हैं। तो यहाँ 4 घंटे बीत चुके हैं पीनट को भिगोए हुए, तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। हमें इस पानी को अलग करना है, ये वाले पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इस पानी को हम फेंक देंगे। तो आप देख सकते हैं ये, अब इसके छिलके को उतारने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसके छिलके को नहीं उतारना है। इसी तरह से हमें अब इसे डालना है मिक्सर जार में। तो भीगे हुए पीनट में हमने इसमें 300 ml पानी, अब देख सकते हैं ये कांच का ग्लास बड़ा, 300 ml पानी हमने डालना है। पानी मैंने यहाँ तक लिया है, यहाँ तक। तो 300 ml पानी हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो पहले मैंने इसमें 300 ml पानी डाला, यानी कि 300 ml पानी डाला है, और अब इसमें फिर से मैं 400 ml पानी डाल लूँगी। और इसे बहुत ही ध्यान से आपको चलाना है। अगर आप नहीं भी चलाना चाहो, अच्छी तरह से पीस चुका है, तो भी आप इसे यूं ही थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके आप इसे अलग से छान सकती हैं। ये रेशियो आपको याद रखना है, 1 कप बादाम और 700 ml पानी। 1 कप बादाम में पहले हमने 300 ml पानी डाला और फिर हमने 400 ml पानी और डाला, यानी कि टोटल हमने 700 ml पानी इसमें डाल दिया है। 1 कप पीनट और 700 ml पानी, इस रेशियो में अगर आप पानी मिला लेते हो तो आपका दही बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो एक छलनी के ऊपर हम ऐसे साफ कॉटन का कपड़ा रख लेंगे और उस पर ये जो है पीनट हम डाल देंगे। अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके पूरा बादाम हमने अलग कर दिया और उसका मिल्क जो है पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो उसे अब हम एक सॉस पैन में डालेंगे, क्योंकि हमें इसे गरम करना है, पूरा बॉईल करना है। जब ये पूरी तरह से गरम हो जाए, गरम करते वक्त ध्यान रखें कि पहले आपको थोड़ी सी मीडियम लो फ्लेम में रखना है, और उसके बाद जब थोड़ा सा बॉईल आने लगे तो उसको लो फ्लेम में करके थोड़ी देर और पकाना है। यहाँ पर 2 बार उबाल आने तक मैंने दूध को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। गैस को ऑफ कर दें और दूध को ल्यूक वार्म होने तक ठंडा होने दें। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मलाई जम चुकी है, तो जो मलाई की परत ऊपर है उसे आप निकाल करके अलग कर दें, और बाकी का जो दूध है उसे आप दही बनाने के लिए किसी कांच के या मिट्टी के बॉल में निकाल लें। और क्योंकि हम पीनट मिल्क के साथ कर्ड बना रहे हैं, तो इसीलिए हम स्टार्टर के लिए दूसरा दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे चिली क्राउंस। इस तरह से बिल्कुल फ्रेश चिलीज़ के ऊपर से आप उनके टॉप्स को अलग कर लें और कुछ 8 से 9 चिली क्राउंस को इस तरह से डाल दें। इसके अंदर होने वाले बैक्टीरिया की वजह से दही बहुत ही अच्छी तरह से बन जाता है। और इसे रख दें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर हल्की गर्मी पड़ती हो और बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें जब तक ये दही बन रहा हो। बस 8 से 9 घंटे में पीनट मिल्क बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा और कर्ड बन करके तैयार हो जाएगी।
आप चाहे तो पीनट मिल्क को यूं भी पी सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही मीठा मीठा सा टेस्ट आता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें पीनट का टेस्ट आ रहा है तो आप इसमें कुछ हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा या बूस्ट जो भी आपको पसंद हो वो मिला करके पी सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। नौ घंटे बिल्कुल बीत चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हाल है हमारे कर्ड का। तो यहाँ हमने इसे माइक्रोवेव से निकाल लिया है बाहर, मैंने इसे माइक्रोवेव में रख दिया था ताकि वहाँ की गर्मी से ये अच्छी तरह से बन जाए, अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये जम चुका है बिल्कुल दही की तरह। इसके ऊपर से जो चिली क्राउन्स थे वो हमने निकाल लिए हैं, और निकालने की वजह से ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जैसा लग रहा है, और मैंने इसे एक्स्ट्रा और एक घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से दही बन करके तैयार हो चुका है। और जब नेक्स्ट टाइम आप फिर से पीनट कर्ड बनाना चाहें तो आपको चिली क्राउन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी कर्ड को आप 4 से 5 चम्मच रख लें और नेक्स्ट टाइम स्टार्टर की तरह इसी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके मन में ये है कि कहीं इसमें से पीनट का टेस्ट तो नहीं आता, तो इसमें हल्का फुल्का पीनट का टेस्ट रहता है, पर अगर आप इसमें कुछ स्पाइसेस मिला करके लेती हैं तो उस टेस्ट का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसी तरह जब आप बार बार इसी स्टार्टर के साथ पीनट कर्ड बनाती चली जाएंगी तो पीनट का टेस्ट और कम और कम और कम होते चला जाएगा। तो बस ऐसे ही आप बना सकती हैं हेल्दी और यमी पीनट कर्ड। और इस पीनट मिल्क और कर्ड का इस्तेमाल आप बिल्कुल नॉर्मल मिल्क और कर्ड की तरह कर सकती हैं। पीनट मिल्क के साथ टी कॉफ़ी आप बना सकती हैं, और पीनट कर्ड के साथ आप चाट वगैरह बना सकती हैं, फिर कड़ी बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं।